नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क गो 2024 वर्सेस रियल मी नाजो 60X 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 6.44 इंच जबकि 60X 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 2.98 इंच जबकि 60X 5G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 0.34 इंच जबकि 60X 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 186 ग्राम जबकि 60X 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 6.56 इंचेस जबकि 60X 5G में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 720x1612 और 60X 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 83.96% जबकि 60X 5G में 86.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 60X 5G में 392 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 60X 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 60X 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 60X 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में माली G57 जबकि 60X 5G में माली G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में यूनिसॉक T606 और 60X 5G में MediaTek Dimensity 6100 प्लस मिलता है। बात करें रैम की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 3 GB की रैम मिलती है, जबकि 60X 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 6 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 64 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 60X 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में अप टू 1 TB जबकि 60X 5G में अप टू 2 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 4 कलर्स जबकि 60X 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 3GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 6699 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 60X 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 6 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करते हैं रियलमी नाजो 60X 5G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 60X 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 60X 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है, दूसरा Infinix Note 11 है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M13 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।